श्रीगंगानगर के घरसाना में दीपावली के पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। कस्बे के हर चौराहे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, साथ ही संदिग्ध दिखाई देने वाले लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। कस्बे के बस स्टैंड, रोटरी चौक, अंबेडकर सर्कल, तह बाजार में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस ने लोगों से अपील भी की है कि अगर कोई संदिग्ध दिखाई दे तो पुलिस को सूचित करें। इलाके के बाजारों में त्योहार को लेकर भीड़ भी दिखाई दे रही है। श्रीगंगानगर के घरसाना में दीपावली पर्व को लेकर जो पुलिस प्रशासन है बिल्कुल सतर्क नजर आ रहा है। चौक चौराहों पर पुलिस जो है पूर्ण रूप से मुस्तैद नजर आ रही है। मैं मेरे पीछे का दृश्य दिखाना चाहूँगा कि तमाम चौक चौराहे पर पुलिस जो है तमाम जो प्रबंध है वो किए हुए हैं। आज हम जो हम यहाँ मौजूद हैं वो मुख्य तह बाजारी इलाका है। तमाम जो युवा है, बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तमाम दीपावली पर्व को लेकर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा क्या तमाम व्यवस्था की गई है? हमारे साथ कमल जी मौजूद है जो पुलिसकर्मी है। सर, क्या व्यवस्था की गई है? त्यौहार पे हर भीड़ भाड़ वाले इलाके में गश्त लगाई गई है। पुलिस की पैदल गश्त है, मोटरसाइकिल गश्त है और मोबाइल गाड़ियों गश्त है। तो वाहनों को सुव्यवस्थित कराया जा रहा है। लोग जो खरीदारी करने आ रहे हैं उनको मास्क लगाने के लिए समझाइश की जा रही है। दुकानदार ऑलरेडी सतर्क है, यहाँ के सजग है, जो मास्क वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं। तो अभी तक तो बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। पुलिस को भी कोई परेशानी नहीं आ रही है, सभी लोग इसका सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, तमाम जो चार चौबंद प्रबंध है वो किए गए हैं। वही कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर तमाम लोगों से ये अपील भी की जा रही है कि मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले और दो गज की दूरी जो है वो बनाकर रखे। वही तमाम लोगों को दीपोत्सव को लेकर तमाम पुलिस प्रशासन द्वारा गश्त भी की जा रही है और बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि सतर्क रहे, सजग रहे और कोरोना वैश्विक महामारी से भी बचे। मैं मेरे सहयोगी राकेश के साथ विकास परिक, A1 TV, घरसाना। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में दीपावली पर अनूठी पहल करते हुए हरित दीपावली मनाई गई। इस दौरान युवाओं ने निशुल्क औषधीय पौधे वितरित किए, तो वहीं एक दीपक जलाने और एक पौधा लगाने की अपील की गई। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बलवंत साहू ने बताया कि विशेष किस्म के औषधीय पौधे घर पर तैयार किए गए हैं, इसके सेवन से इम्यूनिटी बढ़ती है। अगर हम पारिवारिक वानिकी के तहत डूंगर कोले से समाज शास्त्र के व्याख्याता हैं श्याम सुंदर जी जानी, जो अपने यहाँ मतलब स्थानीय राइस नगर क्षेत्र से हैं, उन्होंने ये सामाजिक और पारिवारिक वानिकी के तहत बीकानेर में ये सहजन पौधे की पौध तैयार करवाई है, विशेष किस्म के पौधे की, और उन्होंने निःशुल्क समाज सेवा के तहत यहाँ पौधे पहुँचाए और बीज भी पहुँचाए। तो वो यहाँ की टीम ने, यहाँ के समाज सेवी दुकानदारों ने, वो यहाँ के सामाजिक संगठनों ने मिल करके ये कार्यक्रम किया है। ये पौधा औषधीय पौधा है पूर्णतः, इसकी फलियाँ और इसके पत्ते इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में